तो इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्कशन की श्रृंखला में मैं सी अनूप भाटिया आज आपके सामने सेक्शन 68 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड एक डिस्कशन लेकर के आ रहा हूं। सेक्शन 68 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एक बड़ा ही खतरनाक सेक्शन है सर। खतरनाक क्यों? हालांकि इसके और भी सिबलिंग्स हैं सेक्शन 68 के बाद, 69, 69 ए बी सी डी। मैं केवल सेक्शन 68 पर आज चर्चा कर रहा हूं आपसे। सेक्शन 68 कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मीन्स व्हाट? सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी आप अपने खाते में नकद जमा कराते हैं या आपके खाते में कोई राशि ट्रांसफर के थ्रू आती है और आप उसका स्रोत कि वो पैसा कहां से आ रहा है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। मैं इसका उदाहरण देता हूं सर। मैंने वित्त वर्ष 2017-18 में मेरे खाते में अलग अलग समय पर 50-50 हजार करके टोटल 3 लाख रुपए 6 बार में जमा करा लिए, यानी 50 हजार की 6 एंट्री, अब मेरे खाते में 3 लाख रुपए कैश जमा हो गए। और मेरा जब असेसमेंट खुलता है तो इनकम टैक्स अधिकारी मेरे से ये क्वेश्चन करेंगे कि भाटिया जी, ये 3 लाख रुपए आप कहां से लाए? अब या तो मैंने वो 3 लाख रुपए मेरी रिटर्न में शामिल कर ली कि ये कहते हुए कि सर ये मेरी प्रोफेशनल फीस है जो मुझे लोगों से आई, मैंने इसे अपनी इनकम में शामिल कर लिया, इसके ऊपर टैक्स दे दिया है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं सर, जब कैश उनके खाते में आता है तो उस कैश को तो बताते नहीं, मुख्य स्रोत जैसे उनका सैलरी है या मुख्य स्रोत उनका किराया है वो बता देते हैं, ये नहीं बताते। तो सर सरकार को सब दिख रहा है, और मैं पहले भी कह चुका हूं सर, इनकम टैक्स विभाग के पास आपकी इतनी जानकारी है शायद आपको भी नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है सर, जब मैं इस प्रकार का कोई कैश एंट्री मेरे खाते में लेता हूं या मैं एक थोड़ा मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे किसी पर्टिकुलर नोन को कहा साहब आप तो अपने खाते में 50,000 लाख रुपए नकद जमा कराओ, कौन देखता है, आप लोग तो रिटर्न भरते नहीं क्योंकि ज्यादा इनकम है नहीं, और वहां से मैंने उनसे 1 लाख रुपए गिफ्ट के रूप में या एंट्री के रूप में पकड़ लिया, ऐसे बोलते हैं साहब एंट्री लेना। तो सर जब मैं इस प्रकार की एंट्री पकड़ूंगा तो कल जब मेरे पास में चेक से पैसा आ रहा है और आयकर अधिकारी मेरे से बोलता है साहब ये क्या आया, मैंने बोला साहब गिफ्ट आया, या मैंने बोला साहब ये सामने वाले से मैंने लोन लिया, तो आयकर अधिकारी ने बोला लाओ साहब सामने वाले को भी लेकर के आइए, वो भी बताएगा वो कहां से लाया। अब मैं हैरान, ये सामने वाले को क्यों पूछ लिया भैया, मेरे से पूछा मैंने बता तो दिया, अब सामने वाले को लाए, सामने वाला बता नहीं पा रहा वो कहां से लाया, तो भी उसकी इनकम मेरे हाथ में ऐड हो सकती है सर। यानी इस प्रकार के ट्रांजेक्शन नहीं करने, ऐसे ट्रांजेक्शन आपको फंसाएंगे। लोग मेरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाटिया जी ऐसा कुछ करता हूं या ऐसा कुछ मैंने किया कि हम घर में 4 सदस्य हैं, मेरी रिटर्न भरती है, बाकी के 3 मेरे 2 बच्चे हैं जो एडल्ट एज के हैं 18 साल या प्लस के हैं, और एक मेरी वाइफ है, तो क्यों ना मैं 2-2.5 लाख रुपए उनके खाते में नकद जमा करा लूं, उनकी रिटर्न भर देंगे। तो मैंने कहा साहब रिटर्न भरते समय क्या इनकम दिखाओगे? बोले साहब ट्यूशन इनकम दिखा देंगे, कोई ब्यूटी पार्लर दिखा देंगे, सिलाई कढ़ाई की इनकम दिखा देंगे। यदि आप कल उस स्रोत को प्रूव नहीं कर पाए सर, तो ऐसी परिस्थिति में वो इनकम भी आपके हाथ में ऐड की जा सकती है। इतना खतरनाक प्रावधान ये सेक्शन 68 है। और खतरा सुनिए, मेरा पर्पस डराना नहीं है सर, मेरा पर्पस है कि किसी भी प्रकार के गलत ट्रांजेक्शन में मैं इंडल्ज ना हूं। अब इसका प्रभाव क्या है, यदि आपका कोई ऐसा एडिशन हो गया, दिस काइंड ऑफ एडिशन वुड मीन 60% टैक्स लाइबिलिटी वुड बी अप्लाइड ऑन द असेसी। सर 60% एक बहुत बड़ी टैक्स लाइबिलिटी है जो सेक्शन 68 के नेचर के एडिशन पर होती है। तो सर मैसेज ये है कि हम जहां पर कैश का स्रोत एक्सप्लेन नहीं कर सकते वहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा असेसमेंट करते समय एट द रेट 60% पर कोई भी मेरे खाते में आई क्रेडिट पर टैक्स लाइबिलिटी लगा सकता है। हाँ, ये टैक्स लायबिलिटी तब नहीं लगेगी जब मैं स्रोत प्रूव कर दूंगा, जैसे मेरे अकाउंट से मैंने अलग अलग समय पर 50 हजार 10-10 हजार करके निकाले, फिर कुछ दिन बाद मुझे लगा मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं है, मैंने वो पैसा दोबारा कैश जमा करा दिया। सो आई हैव एन आंसर सर, ये देखिए ये मैंने 1 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच 10-10 हजार करके पैसे निकाले, फिर मैंने इस पैसे को जमा करा दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है, ऐसा मैं कर सकता हूं। लेकिन कई बार लोग इस तरीके से भूल जाते हैं सर, जब आप कैश विड्रॉ करते हो तो कैश विड्रॉ केवल दोबारा जमा कराने के लिए नहीं होता, आपका कुछ खर्चे के लिए भी कैश विड्रॉ होना चाहिए। तो मान लीजिए आप कहते हो कि नहीं साहब मैं तो सब पेटीएम करता हूं, मैं तो सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता हूं, ये कैश तो किसी पर्पज से निकाला था जमा करा दिया। टू द एक्सटेंट यू आर एबल टू प्रूव सेक्शन 68 विल नॉट टेक इफेक्ट, बट जहां आप प्रूव करना बंद हो गए सेक्शन 68 का खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। और सर बहुत सारे असेसमेंट हमने सेक्शन 68 की वजह से बिगड़ते देखे हैं। तो
तो मेरे इस वीडियो का मुख्य पर्पज यही है सर कि आप अपने खाते में किए जाने वाले कैश ट्रांजेक्शन या ऐसी क्रेडिट जिसका स्रोत नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इन तरीके के ट्रांजेक्शन से बचें, सो दैट 60% की जो टैक्स लायबिलिटी है सर वो किसी भी सूरत में आपके ऊपर लागू ना हो। तो आज के लिए मैं अपने डिस्कशन को यहीं विराम देता हूँ, अगले डिस्कशन लेकर के जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।